आधार के जरिए भ्रष्ट अधिकारियों की नकेल कसने की तैयारी। इस तरह के लेटेस्ट वीडियो और जानकारी प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। साथ ही बने रहें हमारे चैनल आजाद के साथ। केंद्रीय सतर्कता आयोग विशिष्ट पहचान संख्या आधार के जरिए गैर कानूनी कमाई का पता लगाकर भ्रष्ट अधिकारियों की नकेल कसने की तैयारी कर रहा है। सीवीसी ने रविवार को कहा कि विभिन्न प्रकार के वित्तीय लेनदेन तथा संपत्ति सौदों के लिए आधार अनिवार्य है। ऐसे में इसका इस्तेमाल भ्रष्ट अधिकारियों की अवैध कमाई का पता लगाने के लिए किया जा सकता है। सीवीसी को उम्मीद है कि किसी व्यक्ति के स्थायी खाता संख्या, पैन और आधार कार्ड के जरिए ये जानने में मदद मिल सकती है कि कार्ड धारक द्वारा किया गया वित्तीय सौदा उसकी आमदनी के दायरे में है या नहीं। केंद्रीय सतर्कता आयुक्त केवी चौधरी ने रविवार को कहा कि हमने अवधारणा पत्र तैयार किया है। इसकी सहायता से भ्रष्टाचारियों व अचल संपत्ति रखने वालों को पकड़ा जा सकता है। साथ ही उन्होंने कहा कि आधार का इस्तेमाल कर आवश्यक जानकारी जुटाई जा सकती है। चौधरी ने कहा कि अचल संपत्तियों और शेयरों से संबंधित वित्तीय लेनदेन के आंकड़े आयकर विभाग प्राधिकरण, पंजीकरण विभागों या वित्तीय आसूचना इकाई FIU तथा अन्य सरकारी एजेंसियों के कार्यक्षेत्र में उपलब्ध है। इस तरह के लेटेस्ट वीडियो और जानकारी प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। साथ ही बने रहें हमारे चैनल आजाद के साथ।